नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं प्रसारित कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ हैं नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिचड़, झांबर पंचायत के पूर्व सरपंच चेतराम खिचड़ के सुपुत्र अनिल खिचड़ कभी अपने पिता के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए हनुमानगढ़ के निवासी बने और आज स्थानीय निकाय में विकास का पर्याय के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने न केवल समय तीसरी बार पार्षद का चुनाव जीता बल्कि इस बार अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला को भी चुनाव जिताने में कामयाब रहे। अनिल खिचड़ ने जहां भाजपा के युवा नेता कविंदर सिंह को परास्त किया, वहीं नगर परिषद के उपसभापति का पद भी हासिल कर लिया। अपने वार्ड तथा शहर के विकास को लेकर इनके जहन में क्या योजनाएं हैं, आइए जानते हैं अनिल खिचड़ से। अनिल जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनिल, छात्र राजनीति में आप रहे, यूथ कांग्रेस के आप पदाधिकारी भी बने, आप पार्षद रहे हो या यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हो, आपने हर रूप में सफलता हासिल किया। इतना डेडिकेशन जो आपके मन में आता है लोगों पर, तो इतना डेडिकेशन कहाँ से लाते हैं आप? मैं बचपन से ही, जब मेरे पिताजी मुझे यहाँ पे पढ़ाने के लिए हमारे परिवार को यहाँ पर हनुमानगढ़ में शिफ्ट किया, तो बचपन से ही मैं मेरे पिता को मैंने राजनीति में देखा है। वो गाँव के सरपंच रहे हैं, उसके अलावा भूमि विकास बैंक के पदाधिकारी रहे हैं, तो मैंने बचपन से अपने परिवार के अंदर राजनीति मैंने देखी है और मैंने मेरे पिता को भी इसी तरह कार्य करते देखा है। वे भी हमेशा सदैव जनता के बीच में रहते थे, जनता के लिए कार्य करते थे। चौधरी आत्माराम जी के वक्त से ही वो राजनीति में थे, तो उन्हीं को देख करके मुझे भी राजनीति का, मेरे मन में भी राजनीति की और पब्लिक की सेवा करने का ख्याल आया और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही और जनता के सहयोग से, जो युवा साथी हैं उनका मेरे साथ हमेशा सहयोग रहा, उन्हीं के सहयोग से मुझे हमेशा मेरे अंदर एक जोश और जज्बा रहा है। और चौधरी आत्माराम जी और चौधरी विनोद कुमार जी के परिवार का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और इसी की बदौलत मैं हर कार्य को पूरी निपुणता से कर पाता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति जो है वो आपको विरासत में मिली है और राजनीति आपके खून में है, आप अपने पिता को देख देख करके इस फील्ड के अंदर आए? बिल्कुल बिल्कुल। अब नगर परिषद में आपकी राजनीति की शुरुआत की बात करें तो आपने पहला चुनाव अजमेर सिंह बिल्लू करवाया, दूसरा आपने भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम अंसल को हराकर जीता तथा तीसरा आपने मंत्री के भांजे कविंदर सिंह को परास्त कर जीता। आखिर क्या जादू करते हैं आप जन के ऊपर? देखिए, पब्लिक के अंदर जो नगर परिषद की राजनीति है उसके अंदर पब्लिक जो है वो काम मांगती है। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था उससे पहले मेरे वार्ड से संगीता जी मिड्डा, जो पूर्व चेयरमैन रही हैं नगर परिषद की, उनको मेरे वार्ड से हमने चुनाव लड़वाया था। वो इलेक्शन आ रही थी अजमेर सिंह बिल्लू के सामने। उस टाइम मैं उनके साथ जब वार्ड में घूमा तो मैंने अजमेर सिंह बिल्लू, चाहे मेरे प्रतिद्वंदी रहे हों, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनकी जो कार्यशैली थी वो खूब अच्छी थी। उस टाइम कुछ राजनीतिक कारण मान लीजिए या कुछ ऐसे कार्य थे जो पब्लिक को उनके नहीं अच्छे लगे, उसी टाइम मेरे अंदर भी जुनून हुआ भी मैं भी किसी भी तरह यहाँ के नगर परिषद में राजनीति में आऊँ, पार्षद बनूँ और पब्लिक की सेवा करूं। और जो कार्य है वो पब्लिक काम मांगती है और मैंने काम करने के लिए बखूबी प्रयास किया और बस कोई जादू नहीं है, पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को अच्छी बोलचाल और जो सुख दुख में आए जाए वो लोग, पब्लिक को ऐसे पार्षदों की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे जनता ने खूब प्यार दिया, स्नेह दिया। अनिल, काम की बात करें, अभी आपने कहा कि जनता जो है वो काम देखती है और अभी आप अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ भी कर रहे थे कि अजमेर सिंह बिल्लू को मैंने देखा, तो अजमेर सिंह बिल्लू ने क्या काम नहीं करवाए थे क्या, लोगों ने आपको चुना? देखिए, अब किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीति में अच्छी बात नहीं है। वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे वार्ड में मेरे पड़ोसी भी हैं। काम के साथ साथ पब्लिक ईमानदारी भी देखती है। कोई भी आदमी हो राजनीति में, पब्लिक ये चाहते हैं कि हम अपने जो जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करे। कहीं ना कहीं उसके अंदर उनसे चूक हुई और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और पब्लिक ने मुझे चुना। उनसे भी चूक हुई, बाद में प्रेम बंसल से भी चूक हुई, फिर कविंदर सिंह से भी चूक हुई। जी, बंसल जो है वो मेरे वार्ड में बाहर से थे, इस बात का पब्लिक में काफ़ी विरोध था और कुछ वो, उनका नाम इतना बड़ा था, वो इतने बड़े दिग्गज नेता थे कि पब्लिक जो कार्य मुझे टेलीफोन पे कह सकती है, जो मुझे छोटे से छोटा काम पब्लिक कह सकते हैं, बुजुर्ग युवा नौजवान साथी जो, उनको ये लगता था कि अनिल को हम बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, अनिल को बड़ी आसानी से रात को फ़ोन कर सकते हैं, लाइट चली गई तो भी अनिल को बोल सकते हैं, नाली साफ सफाई के बारे में अनिल को बोल सकते हैं, लेकिन प्रेम जी बंसल का कद इतना बड़ा था
कि लोगों को ये लगा भी हम उन लोगों उनके साथ बिल्कुल कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए जनता ने उनकी एवज में मुझे चुना। मतलब एक उम्र का भी फर्क था। बिल्कुल, लोग युवा नेतृत्व चाहते हैं, पब्लिक ने यही चाहा और यही चुना। और सहज उपलब्धता की भी बात थी। अनिल, अपन अब उपसभापति की बात करें। अभी पार्षद बनने के बाद जब कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया नगर परिषद में, तो सभापति गणेश बंसल को कांग्रेस के साथ का निर्दलीयों का भी समर्थन मिला, परंतु जब आपके उपसभापति बनने की बात आई तो कांग्रेस दो फाड़ हो गई। नहीं, कोई दो फाड़ वाली बात नहीं थी। देखिए, हम परिवार में रहते हैं, परिवार के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे परिवार के अंदर मतभेद हो जाते हैं, और हमारी पार्टी भी एक परिवार की तरह है। तो कुछ जो लोग बनना चाहते थे उपसभापति, उन्होंने अपनी बात चौधरी विनोद कुमार जी के आगे रखी, और बात रखना कोई लोकतंत्र में कोई नाजायज नहीं है। उन्होंने अपनी जायज बात थी वो जायज बात चौधरी साहब के आगे रखी, और ठीक है, जब हम परिवार में रहते हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन फिर हम सब ने मिल बैठ करके उन्हीं के पार्षदों के सहयोग से ही मैं बनाऊँ, उन्हीं के वोटों से मैं बनाऊँ, बिल्कुल वो एग्री थे, तभी तो मैं उपसभापति हूँ आज। अपन तरुण विजय की बात करें, अपन असुलम की बात करें, अपन मनोज सैनी की बात करें, मुकेश की बात करें, या गुरदीप चैल की बात करें, आपकी उम्मीदवारी का इन लोगों ने खुला विरोध किया। देखिए, मगर एक मिनट में मेरा सवाल पूरा कर लूं, इन सब के विरोध को दरकिनार करते हुए विधायक जी ने आपको उपसभापति बनाया, तो मेरा सवाल ये है, क्या माने कि आपको जो लाभ मिला वो विधायक के नजदीकी होने का मिला या आप डिजर्व करते थे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, विधायक जी के सभी नजदीकी हैं और विधायक जी सभी से प्यार करते हैं, सभी उनके चहेते हैं। बात यह थी कि विधायक जी ने जब सभी पार्षदों को अलग अलग बुला करके पूछा, तो सभी ने लगभग पार्षदों ने मेरा नाम लिया था, उसमें जो बहुमत की अगर अपने संख्या करें तो उसमें मेरा नाम ज़्यादा लिया गया था इसी वजह से। और जो मनोज जी सैनी हैं, तरुण जी हैं, गुरदीप जी हैं, उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे बड़े भाई और तरुण जी मेरे सहपाठी रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और जहाँ तक बात है असलम जी की, तो असलम जी अति महत्वाकांक्षी थे, और उसी अति महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने ये कदम उठाया जो कि काफ़ी गलत था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी, उन पर विश्वास किया, उनका परिवार सदैव कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन वो किसी न किसी के बहकावों में आ गए और उन्होंने ये गलती की। अपन पार्टी में अनुशासन की बात करें अनिल, यदि पार्टी में अनुशासन है और आप ये मानते हैं कि कुछ लोगों ने गलत कदम उठाया, तब उन लोगों के खिलाफ संगठन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, संगठन कार्रवाई तभी करता है जब कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की आपत्ति भी दर्ज करे। असलम भाई साहब के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और आज भी मैं उनकी बड़ी इज्जत और मान करता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं चाहता था अभी किसी के ऊपर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जिसकी वजह से हमारे जो संबंध हैं वो बिगड़े। राजनीति ने वो उनका उनके मन में था कि मैं उपसभापति बनूँ, तो उन्होंने फार्म भर दिया। अब रही बात अनुशासनात्मक कार्रवाई की, तो वो तो जिलाध्यक्ष जी हैं कैसी जी बिश्नोई, अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन मैं दिल से यही चाहता हूँ कि ठीक है, परिवार के अंदर विरोधाभास होते रहते हैं, उन्होंने गलती की तो उसका खामियाजा वो भुगत भी रहे हैं, कि अब भाई सत्ता के अंदर होते हुए भी, पार्टी के अंदर होते हुए भी वो पार्टी से बाहर है। मतलब पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है? बिल्कुल, ये तो होता ही है साहब, जो पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेगा। अनिल जी, आप ये व्यक्तिगत आपकी राय है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या एक उपसभापति होने के नाते, पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मेरे मतलब ये जो बात आपको कह रहा हूँ ये मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, वो भी मुझे अभी भी कोई काम होता है तो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे कोई काम होता है तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, वो वक्त जो था हमारा वो बुरा था, वो असलम भाई साहब के लिए भी गलत था और वो मेरे लिए भी गलत था कि ऐसा हुआ और हम दोनों के बीच में दूरियां। तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा है, आप उपसभापति बन गए, आपके लिए बुरा? एक जो बड़ा भाई था मेरा और उनके साथ मतभेद होना, ये भी गलत बात है सर। ऐसा कभी कभी राजनीति में हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिचड़ से। वक्त हो चला ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक
मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद वाइस चेयरमैन अनिल खिचड़ से। अनिल जी, जिला मुख्यालय पर सफाई की बात करें, जब हम सफाई की बात करते हैं, हर बार नया बोर्ड बनता है, नए पार्षद आते हैं, नए सभापति आता है, नए उपसभापति आता है, जिस किसी से भी मीडिया बात करती है तो वो प्राथमिकता अपनी सफाई को देते हैं, जबकि स्थिति ये है, देखा गया कि समस्या जस की तस है। यदि सफाई कार्य को हम ठेके पे देते रहेंगे, यदि वाल्मीकि समाज की जगह अन्य समाज के लोगों को सफाई कार्य में लगाते रहेंगे तो इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि भी कोई भी नया सभापति बनता है, नया बोर्ड बनता है, तो सफाई की व्यवस्था की बात, बिल्कुल सफाई की व्यवस्था शहर की सबसे बड़ी समस्या है और सबसे पहला काम चाहे कोई भी बोर्ड बने, ये सफाई से संबंधित ही होना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर जो मुख्य काम है वो सफाई व्यवस्था है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि ये समस्या जस की तस है, मेरा मानना ये है कि जब से गणेश राज जी बंसल ने सभापति का चार्ज लिया है, उसके बाद से लगातार आज तक रोजाना सुबह 6:30 बजे वो जंक्शन में और मैं टाउन में, हम लगातार प्रॉपर उसकी के ऊपर वॉचिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुधार है। और सफाई व्यवस्था के अंदर SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी काफ़ी बड़ा पैसा आ रहा है और उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है। अभी जैसे देख लीजिए, ऑटो टिपर चल रहे हैं, तो ऑटो टिपर चलने के बाद बहुत सा कचरा जो पहले सड़कों पर घरों के द्वारा डंप किया जाता था वो सारा बंद हो गया है और 90-95% उसके ऊपर सुधार हुआ है। और जहाँ तक वाल्मीकि समाज की बात है, तो जो सफाई व्यवस्था हम ठेके पर दे रहे हैं उसके अंदर भी लगभग लोग जो है वो वाल्मीकि समाज के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, ना कि अन्य किसी समाज के। और जो कुछ अन्य समाज के लोग लगे हैं वो पिछली BJP गवर्नमेंट के अंदर सरकार द्वारा ऐसी नीति बना दी गई जिसके अंदर किसी भी समाज का व्यक्ति सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर सकता था और उसके अंदर जो सरकारी नौकरियाँ थी उसमें काफ़ी लोग दूसरे समाज के भी आ गए। तो सरकारी नौकरी अगर वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन था, उसमें गवर्नमेंट यदि चाहती तो खाली उनके लिए रिजर्व रख सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। अब जो हम ठेके पर ले रहे हैं उसके अंदर लगभग लोग, और मैं तो कहता हूँ लगभग नहीं, 100% जो कर्मचारी हैं वो वाल्मीकि समाज के ही हैं और उनको रोजगार मिल रहा है। उपसभापति जी, मेरा सवाल ये है कि ऑटो टिपर पहले चल रहे थे भाजपा के राज में, ऑटो टिपर आज चल रहे हैं, सफाई ठेका प्रथा पहले चल रही थी, ठेका प्रथा चल रही, तो नया क्या हुआ? देखिए, जहाँ तक नए की बात है, जो ठेके वाली बात आप कर रहे हैं वो ठेके अभी हम बीच में बंद नहीं कर सकते, वो ठेके मार्च तक उसके पास टेंडर है, मार्च तक वो ठेकेदार जिसके पास भी, चाहे वो कचरा परिवहन का कार्य है, चाहे वो श्रमिकों का काम है, वो सब एक बार मार्च तक हमें चलाना पड़ेगा। उसके इसी दौरान हमारी मंडल की जो बैठक होगी, हम सभी हमारे पार्षद साथियों से राय मशवरा करके और शहर के लोगों से भी, जनता से भी पूछेंगे कि इसके अंदर क्या सुधार किया जा सकता है, और वो सारा कुछ हम राय मशवरा करके और उसमें आगामी जो मार्च के अंदर जो ठेके होने हैं, अब वो ठेके करें या नहीं करें, और यदि ठेके नहीं करें तो उसका क्या अल्टीमेट हो, वो हम उसके ऊपर आगे भी मार्च तक हमें चलाना पड़ेगा। आपका कहने का भावार्थ है कि नए वित्तीय वर्ष के अंदर कुछ चेंज होगा? बिल्कुल चेंज करेंगे सर, अभी तो कुछ मजबूरियां हैं, कानूनी मजबूरियां हैं। अपन अब आपके राजनीतिक भविष्य की बात करें अनिल, आप जो है वो कांग्रेसी मूल विचारधारा के परिवार से हैं, आप नौजवान हैं, स्थानीय निकाय की राजनीति में अनुभवी हैं, 3-3 बार आपने इलेक्शन जीता है, तो अपन अनिल खिचड़ का राजनीतिक भविष्य क्या माने, क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का ख्वाब भी कभी देखा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल मैं पब्लिक की सेवा करना चाहूँ। ईमानदारी से सवाल का जवाब चाहूंगा, ईमानदारी से, मैं चौधरी विनोद कुमार जी के, उनके परिवार के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से आज तक यहाँ तक पहुँचा, सुने और खूब प्यार दिया, और मेरी तो कोशिश यही है कि जिस तरह मैं लगा हुआ हूँ इसी तरह पब्लिक की सेवा करता रहूँ, ताकत बख्शे कि मैं जनता की सेवा इसी तरह करता रहूँ। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरे इतनी ज़्यादा अति महत्वाकांक्षा है कि भी मैं वाइस चेयरमैन बन गया तो अब आगे मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ूँ, ऐसा कुछ नहीं है, है वो ईश्वर के हाथ में, जो मुकद्दर में लिखा है वो होना है, जो है वो ईश्वर के हाथ में है, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलना है, मतलब अच्छी बात है। वैसे प्रोग्रेस करना और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं होती है। अपन संगठन की बात करें अनिल, यूथ कांग्रेस का संगठन वर्तमान में एक तरह से मृत प्राय सा नजर आ रहा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, यूथ की श्रेणी में भी आते हैं, आप जैसा युवा जनप्रतिनिधि होने के बावजूद
और कांग्रेस की सत्ता प्रदेश में होने के बावजूद संगठन एक तरह से निष्प्रभावी क्यों है? संगठन में जान फूंकने के प्रयास किए जाएंगे क्या? देखिए, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की जहां तक बात है, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने पिछले काफी वर्षों से इलेक्शन के द्वारा ही जो है वो यूथ का अध्यक्ष चुना जाता है, और एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो, वो पहले हमारे यहाँ पे यूथ में विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता था, पर सभा के ऊपर एक अध्यक्ष बनना है, लेकिन अभी इसमें चेंजिंग कर दी है, विधानसभा के साथ साथ एक जिला अध्यक्ष भी जो है वो भी इलेक्टेड होके और बनेगा। और इससे मेरा तो ये मानना है कि जो इलेक्शन प्रथा है इसकी वजह से वो गरीब घरों के बच्चे, वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति, उनको भी आगे आने का मौका मिला है, क्योंकि रिजर्वेशन भी इसमें इस बार किया गया है, तो रिजर्वेशन के बच्चे हैं जो आ रहे हैं उनको कभी मौका नहीं मिला, जैसे किसी बड़े नेता का बेटा या उसका पोता, वही लोग आगे आ रहे थे। अब आप देखिए कि मेरे जैसे आदमी को इस विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, मैं प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के अंदर सचिव रह चुका हूँ, मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, तो मेरे इसी इलेक्शन की वजह से ही मैं बन पाया, नहीं तो जो किसी बड़े नेता का खास होता था पहले खाली उसी को मनोनीत करके और बना दिया जाता। तो रसूखदार लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे संगठन में, वही प्रभावी होते थे क्योंकि मनोनयन होता था न कि इलेक्शन होता था। अब इलेक्शन से इस बात का लाभ एक कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी मिल रहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अपन अनिल जी, एक रावतसर रोड पर कब्रिस्तान है जी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जी। नगर परिषद और वक्फ बोर्ड के बीच में वो जो जगह है वो फुटबॉल बनी हुई है जी। इस स्थान का सदुपयोग हो, शहर व मुस्लिम समुदाय दोनों को लाभ मिले, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से विवादास्पद चला आ रहा है इसमें। मैं सभापति महोदय और अभी 5-7 दिन पहले ही माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर के आए हैं और उन्हें ये निवेदन किया है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आपकी यहाँ पर खूब ये समाज के नाते भी काफ़ी मान और सम्मान करते हैं, तो जैसे लियाकत जी हैं, मुश्ताक जी हैं और भी जो समाज के अग्रिम लोग हैं, उन सब से बातचीत करके और आप इस जो समस्या है इसका निदान करवाइए, यदि कोर्ट में चल रहा है या वक्फ बोर्ड में जहाँ पे भी चल रहा है, इसके डॉक्यूमेंट मंगवा करके और उनसे बातचीत करके, टेबल टॉक करके, और इस समस्या का निदान किया जा सकता है। हमने उनको ये तक कह दिया कि हम इस पर नगर परिषद का बोर्ड नहीं लगाएंगे, जो भी समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में वो कहेंगे, किसी भी पीर में भी वो कहेंगे, उनके नाम पे इसका विकास कर दिया जाएगा, ताकि ये जो शहर के अंदर टाउन के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी और ये जो गंदगी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है इसका भी सफाया हो जाए। तो कलेक्टर साहब ने हमें खूब इस मामले को स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी इसके डॉक्यूमेंट भी उनसे बातचीत, इस मसले को हमारा ये मानना है कि हम इसे जल्द से जल्द, तो उम्मीद की जा सकती है कि बरसों पुराना जो मामला है वो हल होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। अनिल जी, अपने शहर में पार्कों की बात करें तो शहर में एक भी ऐसा पार्क नहीं है जहां महिलाएं सुबह की सैर कर सकें, तो मेरा सवाल है कि आखिर महिलाएं कहां जाएं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, चिल्ड्रन स्कूल के अंदर काफी संख्या में महिलाओं के पार्क की बात कर रहा हूँ, उसमें महिला और पुरुष दोनों आते हैं जी। जी, अलग से महिलाओं के लिए पार्क की व्यवस्था, आपकी बात सही है, नहीं है, लेकिन आप भी इस मामले में हमें कोई सुझाव दीजिए भी अलग से महिलाओं के लिए पार्क हम किस तरह से करें भी उसमें खाली सिर्फ महिलाएं आए, दूसरों को हम कैसे बाउंडर से वहाँ पर पुरुष नहीं आए, ऐसी कोई जगह? और यदि सुझाव हमें अच्छा लगा, यदि समस्या को जो हम कलेक्टर साहब के पास गए हैं कब्रिस्तान वाली होगी तो इसके अंदर पार्टीशन करके ये कार्य किया जा सकता। देखिए अनिल जी, ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी कि महिलाएं पुरुषों के सामने मॉर्निंग वॉक के समय संकोच करती हैं, रनिंग नहीं कर पाती, दौड़ नहीं लगा पाती, और नगर परिषद के पास अपना खुद का एकमात्र पार्क चिल्ड्रन स्कूल है। यदि चिल्ड्रन स्कूल को महिला पार्क घोषित कर दिया जाए तो हनुमानगढ़ की जनता बहुत समझदार है, दूसरे लोग वहां नहीं जाएंगे, महिलाओं को इससे आसानी होगी। अगर आप मेरा सुझाव इस सुझाव को अगर नगर परिषद में रखें या माने तो ये समस्या हल हो सकती है। बहुत से पार्क है, नेहरू मेमोरियल कॉलेज में चिल्ड्रन स्कूल है, अपने कोला का पार्क है, लोग वहां जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन एक पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए छोड़ दिया जाए तो इस समस्या का उसके। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, आगामी नगर मंडल की हमारी बैठक होगी, इस बैठक में मेरी ये प्रयास रहेगा सभापति महोदय से बातचीत करके, आयुक्त महोदय से बात करके कि हम इसे प्रस्ताव के रूप में लें और ये प्रस्ताव पास हो तो महिलाओं के लिए अलग से ये पार्क डेवलप किया जा सकता है। इसमें भी अभी काफी सुधार की गुंजाइश है, पीछे भी 2 साल से वहाँ पे मलबा पड़ा था, मलबा अभी 5-4 दिन पहले ही वहाँ पे सफाई कराई है और जो झूले वगैरह टूटे हुए थे रिपेयरिंग होती है, सही नहीं थी वहाँ पे माली है, पहले यहाँ पे 5 माली कार्य करते थे जबकि 5 की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, 2 माली कर दी है, बाकी जो 3 माली वहाँ से हटाए हैं उन 3 नंबर को शहर के अन्य वार्डो पार्क। जनता से यही अपील करूँगा कि एक हमारे यहाँ पे बहुत सारा पशुओं की बड़ी भारी समस्या है,
पशुओं की ये हालात है कि हम जितनी बार पशु, यदि हमने 50 पशु पकड़ के मंदीशाला में या एग्रो में या किसी भी गौशाला में हम जब उन्हें डालते हैं, दूसरे दिन पशु हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो शहर की जनता, जो हम ये हरा चारा सड़कों पे डालते हैं, उन्हें गुड़ है, रोटी है, जो बच्चे बच्चा होता है, सड़कों पे डाल देते हैं, उसकी वजह से वो जगह नहीं छोड़ते। तो मेरा तो शहर की जनता से यही अपील है कि आप सब ये हरा चारा और ये जो बची हुई रोटी और ये सब है, ये देना बंद करें, सड़कों पे नहीं डालें। इसकी बजाय गौशालाओं से काफी वार्डों के अंदर गाड़ियां आती हैं, छोटे छोटे ऑटो टिपर उन्होंने लगा रखे हैं, रिक्शा लगा रखे हैं, उनके अंदर डालें ताकि वो सही जगह पर जाकर के वो उसका निस्तारण हो सके और पशुओं को हरा चारा मिले। उसके अलावा जो भी शहर की जनता से मेरा विशेष निवेदन है कि आप पॉलीथीन का यूज ना ही करें तो सबसे बेटर है। सरकार ने भी पॉलीथीन पे बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से दुकानदार भाई हैं, वो उनके पास जो फैक्ट्रियाँ वहाँ पे बंद नहीं हो रहा है, दुकानदारों पे उनको भी प्रति है, तो उनसे भी दुकानदारों से और जनता से मेरा निवेदन है आप पॉलीथीन को बंद करें। और जो भी कचरा शहर में कुछ सिर्फ 5-4 पब्लिक बची है जो गलियों में डालते हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें, क्योंकि खाली अकेली नगर परिषद के सफाई कर्मचारी और अधिकारी और हम लोग चाह करके भी बगैर पब्लिक के सहयोग के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप जनता से मेरा आज मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप लोग सफाई व्यवस्था में नगर परिषद का सहयोग करें। तो ये थे नगर परिषद उपसभापति अनिल खिचड। अनिल ने मेरे तमाम सवालों के जवाब बड़े सहज भाव और बेबाकी से दिए। उपसभापति अनिल खिचड़ का कहना है कि कांग्रेस का बोर्ड बन गया है और तमाम शहरवासियों की भावनाओं का ख्याल करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करवाए जाएंगे। अनिल का कहना है कि आवारा पशु या यूं कहें कि बेसहारा पशु शहर में विचरण कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। अनिल ने आमजन से अपील किया है कि आमजन हरा चारा, गुड़ आदि पशुओं को न डाले ताकि पशु वहां ना आए। इसके अलावा अनिल ने सफाई व्यवस्था को लेकर के आमजन से अपील की है कि अभी भी बहुत से लोग ऑटो टिपर में कचरा डालने की बजाय गलियों में कचरा डाल देते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन के बारे में अनिल खिचड़ का कहना है कि आज भी बहुत से लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। यदि हमें स्वच्छ पर्यावरण और वातावरण चाहिए तो इसका इस्तेमाल न करें। महिलाओं के पार्क संबंधी भी प्रश्न पर अनिल का कहना है कि महिलाओं के लिए एक पार्क होना चाहिए, ये भी इस बात को लेकर के सोचते हैं और इस संदर्भ में जिला प्रशासन से कोई वार्ता कर शीघ्र ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा शहर में लंबे समय से चली आ रही वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान की भूमि के बारे में इनका कहना है कि जिला कलेक्टर से इसके लिए आग्रह किया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस स्थान का सदुपयोग हम लोग कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया।